का हाल बा बेटा? हाँ हम ठीक बानी। बाबूजी कैसे बड़े हैं? बाबूजी ठीक बड़े। तू अपन टिकट कैंसिल करा लो। अच्छा, हम तो दिवाली के बाद छठ खातिर पटना आवे की सोच ले रहनी। शायद हम इस साल छठ ना करे तो हर बाबूजी मना करो तरन। अर्थराइटिस बढ़ गई बा। कौन है? माँ। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं माँ? हम भी ठीक हैं बेटा। पर माँ के करता छठे बार अब कहाँ हमने खानदान में क्यों छठ करता? काहे माँ ये तो लेकिन राजू बहुत चाचा के पतो भी छठ ना करे ले। रुचिका भी काम काज करे वाला लड़की बाड़ी, वो का सोची कि हमार सास पुराना सोच थोप रहल बाड़ी। ओकर तो संस्कृति भी अलग बा बेचारी के। इंग्लिश मीडियम में पढ़े वाला लड़की सब कहाँ छोट करिए सन हो। अच्छा ठीक बा माँ, फिर हम नया साल में घर आए, अभी रखता नहीं, ऑफिस जाए में देर होता। ठीक बा बेटा, खुश रह। ठीक बा, प्रणाम। माँ क्या कह रही थी? इस बार घर में कोई छठ नहीं करेगा। None of my cousins do and it's very sad. I have very fond memories of छठ। We used to go to घाट, सब साथ में रहते थे इकट्ठा होके। माँ कह रही थी इस बार से ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि छठ करने वाला कोई नहीं है। बट शी वॉज सेइंग समथिंग अबाउट मी ना? शी डज नॉट वॉन्ट टू इम्पोज हर बिलीफ ऑन यू, सो चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। सी यू। छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई।